ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। एमएस पेंट के इस अध्याय में हम सीखेंगे एमएस पेंट स्टार्ट करना, टूल बॉक्स, कलर बॉक्स, स्टेटस बार के बारे में, रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल तथा इलिप्स टूल का उपयोग करना और ऑब्जेक्ट में रंग भरना। एमएस पेंट एक ड्राइंग टूल या प्रोग्राम है जिसका उपयोग हम सिंपल ड्राइंग बनाने के लिए करते हैं। आइए देखते हैं एमएस पेंट कैसे यूज किया जाता है। सबसे पहले हम सीखते हैं एमएस पेंट स्टार्ट करना। स्टार्ट पर जाएं, ऑल प्रोग्राम्स में एक्सेसरीज में आपको एमएस पेंट मिलेगा। ये देखिए, ये आ गई एमएस पेंट विंडो। इसमें नोटपैड की तरह ही सबसे ऊपर टाइटल बार है, उसके नीचे है मेन्यू बार और साइड में इधर लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं ये कुछ अलग अलग टूल्स हैं। इसे हम कहते हैं टूल बॉक्स। इसके अंदर जो अलग अलग टूल्स दिए हुए हैं इसका उपयोग आपको ड्राइंग बनाते समय करना होगा। नीचे की तरफ ये है कलर बॉक्स और सबसे नीचे ये जो पट्टी है ये है स्टेटस बार। स्टेटस बार किसी भी टूल का प्रयोग कैसे किया जाता है ये हमको बताता है। जैसे ही आप किसी टूल पर पॉइंटर रखेंगे, नीचे आप स्टेटस बार पर देखिए, उसके बारे में जानकारी आ जाती है कि उसका उपयोग क्या है। टूल बॉक्स में से आइए सबसे पहले हम सीखते हैं रेक्टेंगल टूल, इलिप्स टूल और राउंडेड रेक्टेंगल टूल का उपयोग। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, रेक्टेंगल टूल का उपयोग करके आप रेक्टेंगल्स बना सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए और अब कहीं पर भी जहाँ से आप बनाना शुरू करना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक करके अपने माउस को ड्रैग करते जाइए। जितना और जैसा भी आपको रेक्टेंगल का साइज बनाना है आप उसको माउस को दबाए हुए ड्रैग करते जाइए और जब आपको मनचाहा आकार मिल जाए छोड़ दीजिए। ये आपका रेक्टेंगल बन गया। इलिप्स टूल का प्रयोग हम करते हैं अंडाकार आकृति के लिए। इसको आप चूज करें और इसी तरह जब आप इसको क्लिक करके जिधर भी माउस ड्रैग करेंगे उधर इसका आकार बढ़ता जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये हॉरिजेंटल भी हो सकता है, ये वर्टिकल भी हो सकता है, जिस भी प्रकार से आप चाहेंगे उस प्रकार का एलिप्स आपको मिल जाएगा। पर ध्यान रखें कि आपका माउस का लेफ्ट बटन दबा हुआ हो, जैसे ही आप उसे छोड़ेंगे इसके बाद ये फाइनल शेप में आ गया, अब इसको आप बदल नहीं सकते। इसी तरह से आप राउंडेड रेक्टेंगल का ऑप्शन चूज करके राउंडेड रेक्टेंगल बना सकते हैं। राउंडेड रेक्टेंगल में आप देख सकते हैं कि इसके कॉर्नर्स जो हैं वो थोड़े से गोल घूमे हुए होते हैं, शार्प एज नहीं होती है। रेक्टेंगल में ये नुकीले हैं और राउंडेड रेक्टेंगल में ये थोड़े से गोल हैं। और आइए अब हम सीखते हैं जो भी फिगर्स हमने बनाए हैं उसमें रंग भरना। उसके लिए हम चूज करेंगे फिल विथ कलर टूल। फिल विथ कलर टूल को चूज करके जो भी रंग आप भरना चाहते हैं कलर बॉक्स में से उस रंग को आप चूज कर लीजिए। यहाँ पर अभी काला रंग हमने चुना हुआ है। अब मान लीजिए आप अलग अलग रंग भरना चाहते हैं तो आप जाकर के पहले उस रंग पर क्लिक कर दें, ये आपने जो रंग चुना, और जिस भी फिगर में ये रंग भरना चाहते हैं वहाँ पर आप इसको ले जा कर के क्लिक कर दें। मान लीजिए अब कोई दूसरा रंग है जो हम भरना चाहते हैं, इसे हमने यहाँ क्लिक किया, ये यहाँ पर भरा गया। फिर हमने अगला रंग चुना और उसे हमने राउंडेड रेक्टेंगल में भर दिया। इस तरह से आप जो भी ड्रॉ आप कर रहे हैं, जो भी फिगर आप बना रहे हैं उसमें कलर भर सकते हैं। एमएस पेंट के इस अध्याय में हमने सीखा एमएस पेंट स्टार्ट करना, टूल बॉक्स, कलर बॉक्स और स्टेटस बार के बारे में। साथ ही हमने सीखा रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल तथा इलिप्स टूल का उपयोग
और सीखा ऑब्जेक्ट में रंग भरना।